क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आधा दर्जन से अधिक अपराधों में लिप्त मुख्तियार नामक आदतन बदमाश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मुख्तियार से पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर में शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से पुलिस ने आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही पिछले दिनों की थी। इसी के तहत चंदनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले मुख्तियार नामक एक बदमाश को एक साल के लिए जिला बदर किया गया था। उसके बावजूद भी वह शहर के तमाम हिस्सों में घूम रहा था। इसकी सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर चंदनगर पुलिस को सौंप दिया। दरअसल मुख्तियार पर 8 अपराध दर्ज है। वह 3 से 4 थाना क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इन्हीं प्रकरणों के चलते पुलिस ने उसे जिला बदर किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह शहर में घूम रहा था। फिलहाल पुलिस मुख्तियार से आपराधिक घटनाओं को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय ने उसे 1 साल के लिए जिला बदर किया था, क्योंकि उस पर गंभीर किस्म के 8 अपराध कायम थे और वो उस आदेश का पालन न करते हुए इंदौर में आज धार रोड मार्केट पर घूम रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर हमने पकड़ा है। और वो उस पर गंभीर किस्म के पशु अत्याचार जैसे 4 अपराध संयुक्तागंज में, 1 अपराध राजेंद्र नगर में, 1 रावजी बाजार में और 1 चंदन नगर में कायम था। उसे अभी पकड़ के चंदन नगर दिया। क्या नाम है सर आरोपी का? उसका मुख्तियार उर्फ बांका, पिता शाबिर अली, 36 साल का। नहीं, अभी ऐसा लगा तो नहीं है, पूछताछ करेगी चंदन नगर पुलिस पूछताछ करेगी। बाकी जो हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के जो भी आदेश हैं उन सबका बिल्कुल ठीक तरह से पालन हमारी पूरी टीम कर रही है, हम लोग कर रहे हैं। बदमाश है, आदेश का उल्लंघन तो करते ही हैं, वो उसने उल्लंघन किया, हमने उसे अरेस्ट किया।